I'm going to do it, Father God. इन आंसुओं और इस सीसीटीवी फुटेज के बीच एक फासला है, फासला उस कानूनी खौफ का जिसकी नींव कमजोर पड़ते ही अपराधियों ने इस गरीब को गंभीर जख्म दे दिया है। कर्जदारों से कर्ज लेकर छोटा सा कारोबार करने वाले इस गरीब का सब कुछ उजड़ गया है। मन कचोटने वाली यह वारदात बेगूसराय जिले में हुई है। बेगूसराय के बखड़ी थाना इलाके में रविवार की देर रात चोरी की एक वारदात हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन दो अपराधियों ने छोटे से कारोबारी राम प्रकाश महतो की दुकान में सेंधमारी कर दी। वार्ड 11 में हुई यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अपराधियों ने रात 12:22 पर इस वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने इस वारदात को बड़ी ही तसल्ली से अंजाम दिया। ऐसे में अब सवाल पुलिस की गश्ती और अपराधियों में घटते खाकी के खौफ पर उठने लगे हैं। इस वारदात के बाद कारोबारी राम प्रकाश महतो का रो रो कर बुरा हाल है। रात 7 शाम में हम खाए पी के गेट लगाए के सुत रहिए, भीतर में हम चौकी के नीचे गल्ला रख दिलिए, हम सुत रहिए। भोरे 6 उठलिए तो देखलिए गेट खुलल, तब हमें से हल्ला केलिए कि बाप रे हमर गेट खुलल छे, गल्ला नहीं छे। तब 2-4 नहीं ले घूम के, ओकर बाद पुलिस प्रशासन के फोन होले, पुलिस प्रशासन नहीं ले। ओकर बाद तब में हमरा रहे रुपा 1,250,000, सब रुपा लेने के बाप रे हमें कर्जा आन लिए रे, हम आप कहाँ से देवे लोग का, हम तो बर्बाद हो गए। वैसे तो पुलिस रिकॉर्ड में चोरी की ये रकम बेहद मामूली है, लेकिन इस बुजुर्ग के अनमोल आंसू की कीमत खाकी के नजर में कितनी है ये तो कार्रवाई के बाद ही तय होगा। रिपब्लिकन न्यूज के लिए कोमल आर्ट्स की रिपोर्ट। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।